सर, एक डीमार्ट का चार्ट देखिए, और पिछले कुछ समय से काफी अटका हुआ है। एक समय बहुत तेजी दिखाई थी, बहुत लिस्टिंग, और उसके बाद से और वो वाला इधर कुछ समय से बहुत ही लगाट हो गया। एक लंबा समय इसने बहुत ही साइडवेज और अटका हुआ एक रेंज के अंदर में काटा है। आगे कैसा दिखता है सर, और क्या व्यू है? डीमार्ट नो डाउट एक बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन आप कोई भी कंपनी किसी भी प्राइस पे नहीं खरीद सकते। तो इसमें यहाँ पे जो प्रॉब्लम नजर आ रहा है वो वैल्यूएशन का है। आप देखोगे स्टॉक अभी भी 175 के पी पे ट्रेड कर रहा है, तो उस वजह से जो जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं और जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो प्रेजेंट लेवल पे कंपनी में निवेश करने से कतरा रहे हैं। नो डाउट कंपनी अच्छी है और ग्रोथ भी ठीक ठाक पोस्ट कर रही है, लेकिन करंट लेवल पे स्टॉक थोड़ा ओवर वैल्यूड है। और चार्ट्स की भी बात करें तो अभी रेंज बाउंड नजर आ रहे हैं और सपोर्ट रहेगा लगभग 3900 का। इसमें अगर आप फ्रेश एंट्री लेने की सोच रहे हो तो थोड़ा वेट करिए। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, आप एज एन SIP या फिर डिप्स, ठीक, लॉन्ग टर्म बाकी में कोई कोई दिक्कत ट्रेड नहीं। डिसीजन जी, ठीक है। तो सपोर्ट लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, उसको नहीं तोड़ता है, वो एक चीज है। लेकिन अभी कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा है तो ऊपर की तरफ का, तो इसलिए खरीदारी की तो राय नहीं है। लेकिन अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो बने रहें, ये कह रहे हैं अभिषेक जी।